पूरा मामला है सर। जहाँ हमारी दो तीन बार भागवत है चुकी है, हमारे 7 साल से महादेव जो है जमीन पे रखे हुए हैं। हम लोगों ने कछु चंदा करो सर, कछु हमारे भागवत के चंदा में तो बचो है, तो हमने मंदिर को निर्माण करो सर। तो जामे मेरे की जी ने तीनों देवता ने यही रख के विराजमान करेंगे हम लोग। ये काय काय का मंदिर है, ये कौन कौन सी देवी देवता थी सर? जो है महादेव और शनिदेव और हनुमान बाहर रखे जाते हैं सर। तो पुलिस ने दबाव दो है और तुम्हारे रुचि जो पटवारी वाने दबाव दो है और खरगा प्रधान ने। तो दबाव किस लिए दिया गया? ये सरकारी जमीन है? सरकारी ना सर जी, जमीन जो है लगी हुई है घूरे परे वे सर जामे, और घूरे हम लोगों ने गंदगी के वजह से घर न पे आए गए तो हटा के मिट्टी डाल के और मिट्टी करवाई है चंदा के पैसा से। और यहाँ भागवत वही है बहुत तगड़ी, दो तीन बार, और यहाँ साथ जागरण वही हमारे। तो जिन लोगों ने हम पे दबाव डरवाए के तुम्हारे बीवी बच्चे ने थाने की पुलिस आ रही है और रात बिरात दबस देगी, और तुम्हारे दरोगा जी ने हमें 4 बार दबस दी है यहाँ कि जल्दी तोड़ो जाए मेरे की साहब हमारे मंदिर है रिंदेव कि नहीं इसको भी तोड़ो। तो जिनने दरोगा जी ने हम पे दबस डाल डाल के मंदिर तोड़वाया, दो जिनने दो था तुम्हारा भी तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे बच्चों का तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब कर देंगे। अब वो न तो कोई लिखत दे रहे हमें साहब, न कुछ ना है, कछु लिखत ना दे रहे दरोगा जी, ऐसी धमकी दी है, धमकी दे रहे हैं अब। अच्छा, प्रशासन की तरफ से कोई कागज आया था? कानून ना दो सरकार, कोई कागज नहीं दे रही, कागज ना तो न तो लेखपाल ने कछु लिखत दी हमें और ऐसा ही दरोगा ने दी। बस सर ऐसे बोल देते कि ऊपर से फोन आ रहा है हमारे तरफ, इस पे दबाव ये तोड़ना पड़ेगा, ऐसे बोल देते बस। पुलिस और प्रधान मिले हुए हैं सर, जिनने हिसाब दबाव डालो हमारे लोगों ने फिर यहाँ भयभीत है कि 2-3 दिन से तो हमने खाना ना खाओ। इससे भागवत होती है, भंडारा होता है, हमारी इस भंडारे का माता रानी की कृपा से चारों तरफ नाम है जी, पूरा में भंडारा होता है, भागवत होती है। यहाँ पे हमारे महादेव जी हैं, वो कम से कम 7 साल से भी ज्यादा पुराने हैं सर। और यहाँ पे हमारी धार्मिक परम्परा के अनुसार हमने सोचा था कि ये हमारे महादेव और ये चौड़े में पड़े हुए हैं, तो कुछ हम पे भागवत का चंदा बचा हुआ था और कुछ गांव वालों से लिया था सर। इससे इसका मंदिर का हमने निर्माण कराया, निर्माण भव्य निर्माण कराया कि हमारे भोले बाबा मंदिर में विराजमान होंगे सर। ये किसने तोड़वाया ये मंदिर आपका? ये सर खरक सिंह प्रधान और उनके दबाव, एक पटवारी आती थी और पुलिस वाले आते थे, उनके दबाव से उन लोगों ने बताया कि तुम्हारे 20-25 आदमियों के नाम रिपोर्ट है, तुमको 6-6 महीने जेल में जाना पड़ेगा। चार थाने की पुलिस आएगी सर, एसआई की गाड़ी आएगी, जेसीबी और जेसीबी से तोड़वाया जाएगा, उसमें 25,000 रूपए या 50,000 रूपए आप पे जुर्माना भी लगेगा। उन्होंने धमकी दी थाने की पुलिस और बोलते थे कि 4 थानों की पुलिस बुलवाएंगे और इतने डंडे पड़ेंगे तुम्हारा कैरियर खराब हो जाएगा, पढ़े लिखे कोई भी बच्चा सामने आया तो ऐसे विरोध करते थे, अगर हमने कोई विरोध किया तो हमें 4 थाने की पुलिस पकड़ के ले जाएगी और 6-6 महीने के लिए जेल कटवा देंगे। बच्चों को भी दिख रखेंगे, उन्हें भी खींच के ले जाएंगे। अच्छा, पटवारी का क्या नाम है? रुचि लेखपाल, रुचि सिंह जी। ठीक, नाम है आपका? ये क्या मामला है, के भीड़ भाड़ कैसे लग रही है? ये काफी पुराना मंदिर है, 10 साल हो गई हमारे यहाँ पे, महादेव का मंदिर है, भागवत का स्थान था ये। और ये हम यहाँ पे मंदिर बनाना चाहते हैं शनिदेव का, तो ये प्रशासन और ये खड़क सिंह जो है यहाँ के ग्राम, खड़क सिंह कौन है? अच्छा, तो किस मकसद तोड़वाया गया है ये? यहाँ पे ये मंदिर बनवाना बनाने नहीं देना चाहते वो विधान। हाँ जी। अच्छा, और कोई लिखित में कोई शिकायत वगैरह है इस मंदिर की? हाँ, लिखित में इन लोगों ने शिकायत दी है 10-20 साल तो यहाँ पे। अच्छा, ये कोई यहाँ पे पहले से काफी दिनों से भागवत होती थी यहाँ पे, ये ग्राम विकास की जगह है, ग्राम विकास की जगह है, और ये विपक्ष पार्टी जो है ऑब्जेक्शन उठा रही है। गाँव के सभी लोगों का सहयोग से मंदिर बना है? अपने आसपास की हर छोटी बड़ी अपडेट को पाने के लिए गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें TV30 इंडिया ऐप, साथ ही आप हमें फेसबुक एवं इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।